The title of this module is example number 4 of moment of inertia. But aapke paas problem kya hai? Kehte ji calculate the moment of inertia of the shaded area given in the figure about y axis. But aapke paas shaded area given hai, yahan pe aap figure mein dekh sakte hain ye wala jo portion jo ki colored one hai aur iska moment of inertia aapne calculate karna hai about y axis. बेटा ये सिचुएशन थोड़ी सी जो है अब चेंज हो चुकी है. अगरचे फाइंड इसमें आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही करना है, लेकिन बेटा कहता है कि जी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ द सरफेस एरिया. बेटा इसको जब आपके पास सरफेस एरिया की बात आ जाती है, सिंपल सरफेस एरिया, उसने ये नहीं कहा कि एक रिजिड बॉडी, बल्कि उसने सिंपली कहा कि एक सरफेस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटा यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है. अब वो सिचुएशन कैसे है वो मैं आपको बताता हूं कि बेटा इसको आप कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्फेस की बात करते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सिंपल सेकेंड मोमेंट भी कहते हैं. और बेटा इसको कुछ ऑथर जो है इसको कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन सर्फेस. अब नाम की तो बेटा बात समझ आ चुकी है आपको, लेकिन इसके काम की भी बात करते हैं कि इसका जो फार्मूला है फिर वहां पे क्या फर्क आ रहा है. बेटा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आपको ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है. बात सिंपली इतनी है कि हम वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिफाइन करते हैं. हम कहते जी है कि जी उसका परपेंडिकुलर, अगर फर्स्ट करें एक पार्टिकल है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इन टू मैस. अब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर जो है दैट वुड बी एग्जैक्टली सेम थिंग, वो आपको चेंज नहीं करना. हाँ, जबकि मैस की जब बात हो रही है, अब बेटा मैस अगर आपके पास एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के लिए अगर आप देखते हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मैस है, तो बेटा मैस फिर आप कैसे डिफाइन करते हैं. आप उसको कहते हैं कि जी वो डीएम जो होगा वो आपके पास रो डेंसिटी इन टू द एरिया, यही आप डिफाइन करते हैं ना. लेकिन बेटा आप जब कहते हैं कि सेकेंड मोमेंट की बात करते हैं या आप बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस प्लेन, तो फिर उसमें याद रखिएगा कि आप उसकी फिर डेंसिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि उसको जो फार्मूला बन जाता है वो दैट वुड बिकम एज सरफेस एरिया, जिसको आप डी ए कहते हैं. तो लिहाजा बेटा आप ये बुक्स के अंदर या अगर आप वैसे ही नेट पे सर्च करें तो आपको फार्मूला ही इसका यही मिलेगा कि मैं इसका सॉरी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन टू डी ए, फिर मैथ्स की बात वहां पे खत्म हो जाएगी. लिहाजा बेटा बाकी काम सारा कुछ वही है. अगर आसान अल्फाज में थोड़ा सा आप देखें, अगर आप गौर करें तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए कह रहा हूं, अगर चाहिए आपने ऐसा टोटका वैसे नहीं रखना, लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको बात बता रहा हूं कि बेटा सिंपली आपका सारा का सारा वही काम है. इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपकी डेंसिटी को अगर हटा दें तो बाकी सारी की सारी सिचुएशन जो है वो आपकी वही बनती है. तो ये आपका बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस प्लेन. तो बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. तो बेटा इसके सोल्यूशन को देखें. सबसे पहली बात यह कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो कर्व के लिए जो गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 3. ये बेटा फंक्शन जो है वो गिवन है. आप देख सकते हैं फिगर के ऊपर भी, ये कर्व के ऊपर ये देखें मैंने फंक्शन जो है वो लिख दिया हुआ है, और यहां पर भी आपके पास जो है फंक्शन गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 3. और बेटा किस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, ये y एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट. ठीक हो गई बेटा बात. अब आगे चलते हैं. अब बेटा एक तो हमारे पास सीधा सीधा वो त्रिकाकार है, उसी को अगर आप यूज करें कि आपने क्या किया कि बेटा स्ट्रिप, छोटी छोटी स्ट्रिप्स अगर इसकी बना दी जाएं इस सरफेस एरिया की, जैसे कि ये बनाई गई, अगर चाहिए इस वक्त आपको बड़ी लग रही है, बेसिकली ये छोटी स्ट्रिप है, उसकी जो हाइट है वो बहुत स्मॉल है, तो बेटा इसकी स्ट्रिप बना ली जाए और इसको फिर 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो बेटा ये काम आपका खत्म हो जाएगा. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे. तो कहते जी को वी कंसिडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप from the shaded area whose moment of inertia is I strip is equal to 1/3 x square x into dy. अब बेटा ये परेशान होने वाली बात नहीं है, कहां से आया. बेसिकली आपने स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आप लोगों ने पहले आप ये काम कर चुके हैं कि आपने एक स्ट्रिप ली, स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपके पास बेटा फार्मूला होता था, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं अगर आप कहते हैं तो ये बेटा आपके पास फार्मूला होता था 1/3 एक्स स्क्वायर. ये एक्स बेटा क्या है, ये डिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज योर एक्स, एक्स स्क्वायर इन टू डी एम, ये बेटा आपके पास होता था. और डी एम आपके पास फिर कैसे करते थे, आप कहते थे जी कि दिस इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर इन टू रो एंड डी ए, आप करते थे बात,
ये करते थे ना बेटा, ये बेटा आपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ समझाने खातिर आपको बता रहा हूं कि ये पहले आप काम इस तरह करते थे। अब बेटा यहां पे जो डी ए की वैल्यू है वो क्या है, डी ए मतलब एरिया ऑफ द स्ट्रिप। अब उसकी लेंथ बेटा आपने क्या कंसिडर की, सबसे पहले चले हाइट को देखते हैं, दैट इज डी वाई, ये आपने डी वाई ले ली, और फिर आपके पास जो लेंथ है दैट इज एक्स। अब बेटा अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट पे तो उसकी लेंथ को उसने एक्स कंसिडर कर लिया, ये यहां से लेकर ये यहां तक, लेकिन फिर ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक आप सोच रहे होंगे कितने से पोर्शन की लेंथ इसकी ज्यादा नहीं एक्स से, बेटा बेसिकली ये स्ट्रिप इतनी ज्यादा जो है वो स्मॉल है, वो इसकी हाइट इतनी कम है कि ये ऐसा महसूस होगा कि ये आपके पास जो है वो सेम, इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी लेंथ जो है वो आपका सेम है। तो दिस बिकम्स एज एक्स इनटू डीवाई। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले भी बात की है कि सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए आपको रो कंसिडर नहीं करना है, तो बेटा अगर ये आपके पास खत्म हो जाए तो सिंपली देखें क्या बन गया, 1/3 x³ dy। तो बेटा देखें ये आपके पास चीज आ चुकी है। तो ये था आपके पास काम कि आपके पास आई स्ट्रिप जो है वो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपको पता है, तो अब आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दें ओवरऑल उसकी पूरी की पूरी पोर्शन के ऊपर। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्ट्रिप आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप देखें कि बेटा इस केस में दिस इज इंटरेस्टिंग कि ये एक्स है, जबकि अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ना 1 से लेकर 4 इंच तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बेटा डबल जो लगाए हुए ये इंचेस के लिए शो कर रहा है। तो वन से ये वाई एक्सिस के अबाउट आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 1, 2, 4। अब वाई एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बेटा ये तो एक्स आ गया, अब इस एक्स को भी तो आप वाई की टर्म्स में कंसिडर कर लें, तो बड़ा आसान है कि बेटा इस एक्स को यहां से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा एक्स आपके पास फिर क्या बन जाए, एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 3y³/2। तो ये साथ में आपके पास डी वाई एस एच आ गया और 3 उसके बाद डिवाइड करेंगे तो ये स्केयर रूट 3 बनेगा आपके पास। तो बेटा आप इसी चीज को अब आप देखें, अब आपका ये फॉर्मूला आई स्ट्रिप का बन चुका है इन टर्म्स ऑफ वाई, और अब आपने इसी की रिस्पेक्ट से उसको इंटीग्रेट करना है। अब आप बेटा देखें कि देन बाय इंटीग्रेशन वी ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल शेडेड एरिया। आप देखें कि आई वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 3। अब आपने देखें बेटा 1, 2, 4। अब बेटा मैंने यहां पर जो है वो डबल ये नहीं लगाए, अगरचे मैं चाहता तो लगा सकता था लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप बाय एंड पे सिंपली उसको आप लिख सकते हैं कि इंचेस में, लिहाजा इसको बेटा मैं यहां पे रब कर रहा हूं, ठीक है, तो लिहाजा इसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा आप देखें कि आपके पास क्या है कि अब आपने सिंपली लिमिट ले ली 1 to 4 और आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा सिंपल इंटीग्रेशन है, मैं ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहा, बेटा थोड़ा सा जरा सॉल्व करेंगे एंड फाइनली यू अराइव एट 2 √3/5 × 32 − 1। ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ रहा है, इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 21.5 इंचेस। ये बेटा आपके पास जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकल चुका है। बेसिकली आपको थोड़ा सा दोबारा बताता चलता हूं कि बेटा आपने क्या किया है कि आपने सरफेस एरिया था उसकी स्ट्रिप थी, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया है, तो उसके बाद पूरी की पूरी सरफेस एरिया से यहां से लेकर वहां तक आपने उसको इंटीग्रेट किया, तो फाइनली आपके पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सरफेस एरिया आपके पास निकल चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल, थैंक यू वेरी मच।